मीडिया है क्या? मीडिया यार क्यों यार भाई रोड क्यों बंद कर रहे हो भाई? मेरी बात सुनो, कष्ट ना करो भाई। भाई मेरी बात सुनो, अरे रुक जाओ भाई, यो एक मिनट रुक जाओ भाई। कुछ हुआ है यार, एक्चुअली इशू हुआ है और सभी गर्ल्स थोड़ा परेशान चलती हैं। लाइक आपको भी पता होगा वॉशरूम का ना गेट बंद था और किसी ने आप यार ना कॉन्फ्रेंट है हाँ। चलो आपकी जिसने बोला देखा है हाँ, इन्होंने देखा है आपको नीचे से उठते हुए वीडियो बनाते हुए, दीदी क्या हुआ क्या सब ने देखा है और सब भी डरी हुई है। हमें नहीं पता हमें क्या एक्शन लेना क्या नहीं, हमें एक्शन नहीं लेना, आप बस बता दो क्या हुआ क्या था। अरे ये झूठ है वासने, मॉडल की भागो मॉडल चोर मॉडल लगे नहीं बता रहा इसका पूरी पूरी अरब नंगी करो, इसकी बनाओ वीडियो भेजो, ले रखा गया पोस्टर बनवाए हम इसके बेशर्म पे। किसने बोला तेरे को वीडियो बनाने के लिए? अपोलॉजी लेटर मेरे को दे दे, तेरे इंसिडेंट रिपोर्ट बनेगी, तेरे को सस्पेंड करेंगे आज ही, कम सर के पास भेज दे तेरे को। क्यों प्लीज मारो एक तरफ, फिर कंप्लेन करते हैं कि वार्डन थप्पड़ मारने का बोलती है। कितना गंदा काम घिनौना काम कर रही है तू। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? महिला देखिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यही है कि अभी सुबह हमारे ऊना दो ऑफिसर्स हैं एसएसपी साहब और डीसी साहब, एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है, लेट नाइट मैं पहुंची हूं। मैडम अभी कुछ भी कहना मुश्किल। मैडम आप क्यों आए हैं यहाँ? ये तो कहते कुछ नहीं हुआ,
अब क्यों आए? ये प्रशासन कह रहा है कि कोई कुछ नहीं हुआ, ऐसे दबाने की कोशिश नहीं कितनी जा रही यार, गल पूरी कर देखिए कमीशन का काम है जब ऐसे कुछ मैसेज सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं गर्ल्स को लेकर, हम अपना वर्ड निभाते हुए और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे ऑफिसर से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड दिया है कि मैडम गंभीरता से जांच की जा रही है, पर एक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, एक यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन से रिलेटेड मैटर है। अभी कुछ भी इस मामले में कहना मुश्किल है, जब तक इसकी गहराई से जांच नहीं होगी तो कोई भी कमेंट। वीडियो जो लीकेज का इस तरह का सामने आ रही चीजें, इसको हटाने की बात भी की जाए, क्योंकि नेट से हटाना भी इसको बहुत जरूरी है। देखिए अगर फेस देख रहे हैं लड़की का भी फेस में जो फ्यूज है, ये वीडियो जिसने भी लीक किया होगा, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बाहर से भी बच्चे हैं, हमारे पंजाब के भी बच्चे हैं, और मेरा ये मानना है एक नामी यूनिवर्सिटी और खुद ही बहुत संजीदगी रहती है कि ऐसे मैटर ना उठे, और यूनिवर्सिटी से बाहर जाके बच्चे क्या करते हैं कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि कौन इस चीज के पीछे है, तो अभी कुछ भी मैडम पूरे पंजाब तो फोन आ रहे हैं, सानू भी फोन आ रहे हैं, बहुत लोग बच्चे से पढ़ते हैं, बच्चों की कहना चाहोगे तुम, क्योंकि बहुत लड़कियां पढ़ दिया, पेरेंट्स पैनिक च है, बहुत मैं समझती हूं, पेरेंट्स का कंसर्न भी समझती हूं, मैं पंजाब सरकार चो ही कमीशन हां, मैं अपनी ड्यूटी निभाते हुए पेरेंट्स को एक ही यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ आई हूँ, उनके सपोर्ट सिस्टम के लिए खड़ी हुई हूँ, जो भी इसमें दोषी पाया गया, पर सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी कोई भी कमेंट करना मुश्किल है, पर आश्वासन देती हूँ मीडिया के राही, जितने भी पंजाब की बच्चियों के पेरेंट्स हैं, कड़ी कार्रवाई।